नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के कैन मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नए जिलों में कलेक्टर नहीं कर सकेंगे कोई बड़ा काम। रक्षाबंधन पर बहनों की जगह सीएम गहलोत ने दिया भाइयों को तोहफा। भवानी सिंह देथा, श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिलों के जिला प्रभारी सचिव विक्रम और प्रज्ञान ने 7 दिनों में चौन से भेजी ये अहम जानकारियां। और राजस्थान इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना की सेकंड लिस्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार की ओर से बजट घोषणा के बाद प्रदेश में पुनर्गठित 17 नए जिलों में लगाए गए कलेक्टर्स को फिलहाल पुराने मूल जिले के कलेक्टर्स के मातहत बनकर ही कार्य करना पड़ेगा। नए जिलों में लगे इन कलेक्टर्स को सरकार ने फिलहाल आगामी वित्तीय वर्ष तक सभी कार्यों के लिए पुराने मूल जिले के कलेक्टर से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस संबंध में वित्त विभाग सचिव रोहित गुप्ता की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है। राज्य सरकार ने 5 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश में 17 नए जिलों का गठन किया था। इन जिलों में सरकार ने कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति कर दी है। अब इन जिलों में वित्तीय संचालन के असमंजस को वित्त विभाग ने दूर किया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लगभग 1,44,00,000 परिवारों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। सीएम ने अब योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाकर कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को ईएसआई श्रेणी के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर दिया है। सीएम की ये मंजूरी फिलहाल कुल ईएसआई के तहत पंजीकृत 13,36,000 कर्मचारियों और उनके 38,39,000 परिवार के सदस्यों को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के 50 जिलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जिला प्रभारी सचिव लगाया है। आदेश के अनुसार भवानी सिंह देथा को श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिलों का प्रभारी सचिव बनाया गया है। सीताराम भाले को हनुमानगढ़ जिले का प्रभारी सचिव लगाया गया है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 को लैंड किए हुए 7 दिन गुजर चुके हैं। इस दौरान दुनिया ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नज़रों से चांद के दक्षिणी ध्रुव का दीदार किया। खास बात यह है कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। ऐसे में रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को प्रयोगों में तेजी लानी होगी। हालांकि इन 7 दिनों के दौरान उपलब्धियों की फहरिस्त यहाँ खत्म नहीं होती है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्री स्मार्टफोन योजना की सेकंड लिस्ट जारी हो गई है। राजस्थान में सभी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिया जा रहा है, जिसका पहला चरण शुरू किया जा चुका है। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा और बाकी की महिलाओं को दूसरे चरण में फ़ोन दिया जाएगा, जिसकी लिस्ट जारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइज़र राम सुभाग सिंह ने सोमवार को विद्युत भवन में राजस्थान के ऊर्जा परिदृश्य की जानकारी प्राप्त करते हुए दोनों राज्यों के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर विद्युत निगमों के अधिकारियों से चर्चा की। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल ढाका ने रिन्यूएबल एनर्जी से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से किए जा रहे प्रभावी प्रयासों एवं जारी की गई नीतियों के फलस्वरूप देश भर में प्राप्त हुई उपलब्धियों के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित राज्य के 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे के मौके पर 57,18,360 विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई। ये आयोजन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। शिक्षा विभाग का ये 7वां कीर्तिमान है। इसका सर्टिफिकेट शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान को सौंपा जाएगा। विभाग की पहल पर स्कूलों में प्रोजेक्टर और संदेश मूवी के माध्यम से 1 घंटे तक गुड टच बैड टच के बारे में समझाया गया। चुनावी समर में टिकट बंटवारे से पहले भारतीय जनता पार्टी कई नए प्रयोग कर रही है, यानी इस चुनाव में मिक्स मॉडल अपनाया जा रहा है। पार्टी ने झुंझुनू जिले की सभी सीटों पर यूपी गुजरात के विधायक मैदान में उतारे हैं। दूसरे प्रदेशों बाहरी विधायकों को टिकट की उम्मीदवारी जता रहे लोगों का फीडबैक लेने की जिम्मेदारी दी है, ताकि कोई भेदभाव या किसी प्रति सॉफ्ट कॉर्नर का पार्टी को नुकसान नहीं हो। जिले की 7ों सीटों से फीडबैक लेकर सभी विधायक 1 दिन पहले झुंझुनू रवाना हो चुके हैं। राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत गैर शैक्षणिक गतिविधियों में लगे होने से झुंझुनू में शिक्षक स्कूलों में क्लास नहीं ले पा रहे हैं। इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक पहले शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिताओं की तैयारियों में जुटे रहे, इसके बाद वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के लिए शिक्षकों को व्यस्त रखा गया है। फिर 5 से 10 अगस्त तक शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिताओं में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। अब शिक्षक ब्लॉक स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन के साथ युवा महोत्सव कार्यक्रम करवाने में जुटे हुए हैं।
जैसलमेर एसपी विकास सांगवान शहर की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर है। एसपी ने शहर में कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए शहर में 6 नाकों को लगाया है। एसपी ने सोमवार रात को सभी नाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी नाकों पर तैनात पुलिस के जवानों और अधिकारियों को नाकाबंदी आदि को लेकर निर्देश दिए। दरअसल शहर में बाइक चोरी और अन्य घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एसपी ने शहर में अलग अलग जगह बनाए गए नाकों पर हथियारबंद पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई है। राजस्थान में रक्षाबंधन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, पर भद्रा की वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वालों के मन में संशय है। ज्योतिषाचार्यों और पंडितों के अनुसार इस बार राखी का त्यौहार दिन में नहीं रात में मनेगा। दिन भर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा के डर से काफ़ी लोग रक्षाबंधन का त्यौहार रात 9:02 के बाद मनाएंगे। जयपुर के मशहूर मंदिर गोविंद देव जी में 31 अगस्त को राखी का त्यौहार मनेगा। आराध्य गोविंद देव जी को दूसरे दिन श्रृंगार झांकी में राखी बांधी जाएगी। हालांकि लोगों को राखियां 30 अगस्त को जमा करवाने के लिए कहा गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट की दावेदारी के लिए हर कोई अपना भाग्य आजमा रहा है। ऐसे में कांग्रेसियों में अंतर्कलह देखने को मिली। दो पक्षों के समर्थक नागौर के सर्किट हाउस में आपस में भिड़ गए। वहीं प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव शोर शराबा होने और समर्थकों के बीच हाथापाई देखकर वहां से चूरू के लिए निकल गए। दरअसल मकराना विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं के बीच सर्किट हाउस में हल्की सी झड़प हो गई थी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत के बेटे और विपक्ष के दावेदार इरफान अली चौधरी के समर्थकों के बीच दावेदारी पेश करने को लेकर गहमा गहमी हो गई, जिसे दोनों समर्थक आपस में हाथापाई करने लगे। बीसलपुर बांध बनने के बाद से हर बार अगस्त में ये छलकने लगता है, मगर इस बार ये आस भी अधूरी रहती नजर आने लगी है। मानसून अभी कोसों दूर नजर आने लगा है। वहीं बांध भरने से अभी 1.60 RL खाली है। ऐसे में अब बांध परियोजना ने भी इस बार बांध छलकने की आस लगभग छोड़ दी है। बीसलपुर का पानी रोजाना 1 सेमी की रफ्तार से घटता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिए बगैर कहा कि संजीवनी मामले में वो आरोपी हैं, उनके परिवार के सदस्यों का भी नाम इसमें है। मैंने बतौर गृह मंत्री ये बात कही थी, उस पर उन्होंने मौन धारण कर रखा है। सोमवार रात को जयपुर रवाना होने से पहले गहलोत ने जोधपुर में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहूँ। हमारे 1.5 लाख लोगों के रुपए अटके हुए हैं, वहीं हमारे केंद्रीय मंत्री ने तो इस मामले में मौन धारण कर रखा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन चंद्रशेखर उदयपुर जिले के जयसमंद में कार्यकर्ताओं के बीच जनसंपर्क पर निकले। भाजपा की 3 सितंबर को डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम में होने वाली परिवर्तन यात्रा और सभा को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन चंद्रशेखर उदयपुर के दौरे पर हैं। वे यहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा की तैयारियों से लेकर नव मतदाताओं को जोड़ने वाले कार्यक्रम को लेकर चंद्रशेखर जमीनी स्तर पर पहुंचे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।